आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूपीएससी की नोटिफिकेशन आउट हो गई है भाई भाई भाई, 861 वॉन्ट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। पिछले साल से वॉन्ट्स बढ़ गई हैं, इस बार टी शर्ट चाहिए बिल्कुल मिलेगी। 10 टी शर्ट्स हम गिव अवे कर रहे हैं, हमारा ऐप को डाउनलोड करो, एक क्विज कंडक्ट करवाएंगे जिसमें से 10 टी शर्ट्स फ्री दी जाएंगी। जल्दी से जल्दी 1 मिलियन करो, मैं 500 टी शर्ट्स बांटूंगा। देखो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 1 सेकंड लगता है ना लाइक बटन पे, ज़रा अपना कर्सर ले जाके या फिंगर ले जाके उसको टच कर दो। वैसे तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन आउट हो गई है, मैं अपने कोर्स का थोड़ा गुणगान करूँगा। हमारा शानदार कोर्स है, शानदार बच्चे बहुत खुश है। एक बच्चा तो कहता है सर सर्विस कर रहे हो क्या, ये कोर्स 1.5 लाख का होना चाहिए था बट हमको सर्विस करनी है। एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब लाइव क्लासेस होंगी। तो क्योंकि आप समझिए नोटिफिकेशन आउट हो गई है तो प्रोबेबली फेब के 3rd वीक से हम पूरे हफ्ते क्लास लेने वाले हैं, वो भी लाइव डाउट सेशन होंगे, ठीक है। प्लस प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस, पूरी प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस, कैसे सवालों को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल एकदम सवाल लेंगे और सॉल्व करके बताएंगे। बाकी आपका जो भी पूछना हो आप पूछ लीजिएगा। आंसर राइटिंग सेशन पूरा लाइव, समझ रहे हो। तो ये हम फेब 3rd वीक से करने वाले हैं और हिंदी में पीडीएफ भी अपडेट हो रही है, सीसैट भी अब अपडेट शुरू हो जाएगा। तो हम इतना कुछ दे रहे हैं आपको, देर किस बात की, बहुत ही कम प्राइस में। जैसे ये सब होगा प्राइस थोड़ा हाइक हो जाएगा, अभी हमने हाइक नहीं किया है, ठीक है। तो जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, तुरंत डाउनलोड करो। तो यूपीएससी का फॉर्म आ गया। सबसे पहले तो फॉर्म, भाई देखो फॉर्म तुमने भर दिया, फॉर्म भर दिया बहुत अच्छी बात है। 100 रुपए का फॉर्म है, फीमेल्स और SC ST के लिए फ्री है, ठीक है, जनरल के लिए 100 रुपए का। तो अब ये समझो कि जब तुम फॉर्म भरोगे तो ध्यान रखना अटेम्प्ट होते हैं 6 जनरल्स के लिए, ठीक है, बाकी के लिए तो आप जितने भी दे दो, तो 6 अटेम्प्ट होते हैं। अटेम्प्ट तभी काउंट होंगे जब तुम एग्जाम दोगे जाके सेंटर पे। अगर तुमने सिर्फ फॉर्म भर दिया है और तुमने एग्जाम नहीं दिया तो परेशान मत हो, अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। अरे तो 100 रुपए तो डेली में ऐसे खर्च हो जाते हैं, कुछ सामान ले आओ कहीं खाने में चले जाओ तो 100 रुपए चले गए, तो आप फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एग्जाम देना चाहिए तो दे देना, बिना बात के कभी भी एग्जाम मत देना, फालतू में अपना अटेम्प्ट वेस्ट मत करना दोस्तों, पछता जाओगे अगर आप यूपीएससी के सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है। जब आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, अब अच्छी नहीं कि ना बहुत एकदम परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे तब आप जाके दे दो, ऐसे एकदम चले मत जाना, अटेम्प्ट वेस्ट मत करना, स्पेशली जनरल्स, ठीक है। तो ये चीज है। तो अप्लाई आपको कैसे करना है, upsc.upsconline.nic.in, सरकारी रिजल्ट पे भी जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सीधा या तो इनकी, हालांकि वो सब इन्हीं की वेबसाइट पे ही डायरेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू करिए। अब जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो 100 रुपए आपको देने हैं, आपको ऑप्शनल वही भरना पड़ेगा भाई, तो ऑप्शनल डिसाइड कर लो ऑप्शनल क्या लेना है, ऑप्शनल भरना पड़ता है आपको। सेंटर्स की बात करें तो हर जगह सेंटर्स हैं, ठीक है, कहीं पे भी आप भर देना सेंटर, लेकिन याद रखना कि सेंटर बहुत जल्दी फेल होते हैं। जैसे मान लो लखनऊ है, इसमें फर्स्ट कम वाला हिसाब किताब है, जो पहले आएगा उसको सेंटर मिलेगा। सेंटर में एक मतलब सीट भी लिमिटेड होती है, तो जैसे मान लो कि अभी मैंने जैसे मान लो 100 सीटें हैं, तो आप आज से जैसे कल से फॉर्म भरना शुरू हो गए तो सबने जो है वो सीटें भर दी 100, वो खत्म हो गया, गया। अगर अब कोई लखनऊ सेंटर ऑप्ट करना चाहे उसको लखनऊ सेंटर मिलेगा नहीं, तो बेस्ट यही है कि आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दो और सेंटर अपने आसपास ही लेना, क्योंकि कोविड फैला हुआ है। ठीक है, अप्रैल तक ISI और IISc के मॉडल के हिसाब से अप्रैल तक बिल्कुल कर्व फ्लैट हो जाएगा। भाई देखो एग्जाम जो है वो 6 जून को होना है, ठीक है, और मेंस कब, क्या 5 सितंबर को है, यार मैं एग्जाम की डेट भूल गया हूं, लेकिन रुको मैं एक मिनट बताता हूं, मैं देख के, बिल्कुल प्री जो है वो 5 जून को होना है और सितंबर से जो है वो मेंस स्टार्ट है।
तो एग्जाम होना है, हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, आमतौर पे मई जून में ही एग्जाम हो ही जाता है, मई के लास्ट और जून की फर्स्ट वीक पे प्री, हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, लेकिन देखो आपको यही मान के चलना कि हमारा एग्जाम जून में ही होगा, क्योंकि देखिए मुझे इस बार बहुत अनलाइकली लगता है कि एग्जाम को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि भाई देखो वैसे भी सबको ओमिक्रॉन हो ही चुका है, लगभग सारे ही लोगों को, बहुत लोगों को पता भी नहीं, तो इम्यूनिटी आ गई है और कर्व फ्लैट हो जाएगा अप्रैल तक, तो जहां तक है कि एग्जाम हो जाएगा, वैक्सीनेशन भी फुल एकदम फुल ऑन है, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर लीजिए। अब फेब के बाद रिविजन टाइम है, रिवाइज करिए जितना हो सके, प्रैक्टिस करिए, ओके, तो ये चीज आपको करना है। तो आपको 22 फरवरी तक सबमिट कर देना है, शाम 6 बजे तक, 22 फरवरी शाम 6 बजे तक आपको सबमिट कर देना है, और उसके बाद फिर एडमिट कार्ड आएगा। ये तो आपको पता ही है, पेनल्टी 1/3 होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 200 मार्क्स का पेपर होता है भाई, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 सवाल आते हैं, ठीक है, हर सवाल जो है वो 2 मार्क्स का होता है, और उसके बाद 1/3 जो है वो आपकी मतलब रॉन्ग आंसर की पेनल्टी होती है। सीसैट 80 मार्क्स का होता है, मतलब 80 सवाल आते हैं, होता है ये भी 200 मार्क्स का है, लेकिन इसमें भी 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, और उसमें खैर 33% पासिंग होता है, ठीक है, लेकिन अब सीसैट का भी लेवल काफ़ी अच्छा खासा आने लगा है, तो सीसैट भी अच्छे से तैयारी करके आइएगा। हर कोई आईएएस लेता है, फिर उसके बाद आईएफएस है, आईपीएस है, ऑडिट सर्विस है, ये सब देख लीजिए, सारी सर्विसेज है। आईएएस के लिए तो कम ही सीट्स होती हैं, 100 के करीब सीट्स होती हैं, ठीक है, तो आईएएस के लिए तो मतलब टॉप 100 में ही आपको रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है, ये सारी की सारी सर्विसेज है, बहुत बढ़िया, वैकेंसी बहुत बढ़िया है, इस बार वैकेंसी जो है 861 है। वैसे तो देश में 5,500 आईएएस ऑफिसर है, रिक्वायर्ड है लगभग 7,000 के करीब, ठीक है, तो वैसे आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, लेकिन स्टिल हम ये देखते हैं कि पता नहीं सरकार क्यों इसमें कंजूसी करती है, बट अच्छी बात है, पिछली बार से वैकेंसी बढ़ी है, इस बार 861 वैकेंसी है, ठीक है ना, तो ये चीज है। अच्छा याद रखिएगा, एज 32 साल, अगस्त 1990 से पहले आप पैदा नहीं हुए चाहिए, 2 अगस्त है शायद, आप देख लीजिएगा फिर बार ये डेट वाला चेक कर लीजिएगा, लेकिन मतलब अगस्त कितना है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर 1990 से लेकर मतलब ये मैक्सिमम डेट और 2001 इसके बीच में आप पैदा हुए होने चाहिए, यानी कि एक तरीके से या तो आप 21 साल के हो, मिनिमम एज इसके 21 साल, मैक्सिमम एज इसके 32 साल, 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है, तो ये हिसाब किताब रहता है। और उसके बाद ये तो आपको पता ही है, यहां पे अच्छा एज रिलैक्सेशन 1985, यानी कि जो डिफेंस में है और कुछ और कैटेगरीज के लिए लगभग 37 साल तक एज रिलैक्सेशन दी गई है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो आप ये देख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन भी आप क्लेम कर सकते हो, वो जब फॉर्म भरोगे ना तो उसमें ऑप्शन आता है, ठीक है ना, उसमें आप डिफेंस में हो, आप फिजिकली हैंडीकैप हो, तो उसमें पूरा ऑप्शन आता है, आपको बिल्कुल भरचान होने की जरूरत नहीं है। एक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, देखो बेटा ईडब्ल्यूएस तभी भरना जब तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो, झोल मत करना, है ना, ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया अगर तुम्हारे पास अप्लाई होते हैं, तुम्हारे लिए अप्लाई होते हैं तो ही फॉर्म भरना, झोल यूपीएससी में बिल्कुल फर्जी वर्जी सर्टिफिकेट नहीं, कुछ एग्जाम्स के लिए चल जाता है, लेकिन यूपीएससी के लिए करोगे ना तो बहुत बुरी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अगर आप इसमें वाकई में क्वालिफाई होते हो तभी, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, तो ये है। और क्या है, प्री एग्जाम आपको पता ही है कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, दोनों में ही मल्टीपल, अभी इसमें तो आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक सवाल 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, आपको एक टिक करना है, खैर यूपीएससी एक सवाल 10 सवाल के बराबर पूछता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और बाकी 2 जो पार्ट 2 वो तो पेपर 2 सी सैट का होता है, है ना, सी सैट का पेपर होता है, इसमें मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ये सब जो है वो पूछी जाती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा सी सैट को कैसे टैकल करें, मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, वैसे अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें तो खैर डिटेल में आप पूछ ही सकते हो। देन मेंस एग्जामिनेशन, मेंस आपको पता ही है, पेपर ए पेपर बी, ये तो लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, कंपलसरी होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं, खैर इस पे इतना ध्यान नहीं देना है। मेन भाई जीएस पेपर वन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सारी चीज़ें दी हुई है, ज्योग्राफी वर्ल्ड सोसाइटी, देन जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो अकेले 60% पेपर कर देता है, देन सोशल जस्टिस इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब, ठीक है, देन उसके बाद ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब, देन जीएस पेपर 4 इसमें साइंस भी आ गया, जीएस पेपर 4 तो देखो बेटा इसमें जीएस 1, 2, 3 इसमें तो एक ही तरीके के मार्क्स आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इसको आपको इसको पढ़ना नहीं, पढ़ना तो बहुत जरूरी है,
लेकिन आपकी मेरिट कौन बनाता है? एससे, जो आपका सबसे पहली हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शनल और एथिक्स। ये तीन पेपर जिसमें एससे और ऑप्शनल तो मस्ट है, ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट, एससे और ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट, और एथिक्स, ये तीन पेपर आपकी मेरिट बनाएंगे, ठीक है ना? तो ये चीज है, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है, तो उसके बाद फिर मेंस का ये पैटर्न है, मतलब ये सिलेबस है पूरा का पूरा, और देन आपका इंटरव्यू होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अभी एंथ्रोपोलॉजी काफी ज्यादा चल रहा है, ऑप्शनल कैसे चूज करना है, देखिए इसमें दो चीजें, एक इंटरेस्ट है और एक आपके मार्क्स हैं, इन दोनों को ही देख के चूज करिएगा, सिंपल, बस दो वर्ड्स में, और ज्यादा अपनी भावनाओं में मत जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको इकोनॉमी बहुत अच्छी लगती है ना, देखिए लेकिन इकोनॉमी के मार्क्स नहीं है, अगर आप ट्रेंड एनालाइज करोगे तो इकोनॉमी में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं, आप कर सकते हो, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। ऑप्शनल में एक और चीज, इस ऑप्शनल में नहीं, ऐसा नहीं है, सारे ऑप्शनल में आपको मेहनत एक ही जैसी लगनी है। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ ऑप्शनल में थोड़ी सी ज्यादा, कुछ ऑप्शनल में थोड़ी सी कम, है ना, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, एक मार्क्स, दूसरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप ऑप्शनल पढ़ेंगे ना, अब जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया ज्योग्राफी और आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इसमें मार्क्स बढ़िया आ रहे हैं, तो अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है और अगर आपके ज्योग्राफी में मार्क्स, मतलब आप देख रहे हो कि चलो बढ़िया है, अभी तक ट्रेंड में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपके साथ बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, अल्टीमेटली आपको पढ़ के उसको लिखना है। तो जब तक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा कैसे करोगे? बेस्ट सब्जेक्ट कौन कौन से, मैं वो भी बता दे रहा हूं, मतलब बेस्ट सब्जेक्ट क्या आजकल जिसमें मार्क्स बढ़िया आ रहे हैं और जो आप बढ़िया से पढ़ भी सकते हो, तो ह्यूमैनिटीज के ही है, सोशियोलॉजी बहुत अच्छा चल रहा है, बबैटो एवरग्रीन है, आप ये ले सकते हो, फिर हिस्ट्री भी सही है, उसके भी अगर मार्क्स देखो तो अच्छे आ रहे हैं। देन अभी लिटरेचर सब्जेक्ट में भी काफी ज्यादा उछाल आया है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट भी आप जो है ऑप्शनल अपना चूज कर सकते हो। देन PSIR अगेन, ठीक है, ये भी बढ़िया है। उसके बाद और क्या हो गया, एंथ्रोपोलॉजी अभी आजकल काफी अच्छा कर रहा है। साइंस के सब्जेक्ट अगर बात करें, देखो साइंस बेटा बड़ा, देखो साइंस तभी लेना जब साइंस में राइट लेफ्ट सेंटर पूरा घुसे हुए हो, तो ऐसे मत साइंस अच्छी थी ले लिए, नहीं, साइंस वाले सवाल बेटा IIT लेवल के आते हैं वहां पे, उससे भी बड़े। तो इसीलिए फिजिक्स मैथ्स अगर आप ले रहे हो तो ये चूज एट योर ओन रिस्क, क्योंकि इसमें या तो मार्क्स मिलेंगे या तो सीधा जीरो, या तो हीरो या जीरो, ये हिसाब किताब रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो, हिस्ट्री, लॉ एंड एवरीथिंग, सोशियोलॉजी, पबैड, साइकोलॉजी आप ले सकते हो, ये सब वो भी अच्छा कर रहा है। देन उसके बाद फिर इंटरव्यू आता है ना, इंटरव्यू, तो उसके बाद फिर आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया। बहुत लोग बोलते हैं कि सर बस प्री क्वालिफाई हो जाए, बेटा ये और खतरनाक कंडीशन है, सिर्फ प्री क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम मत देना, क्योंकि उसके बाद ना बहुत टेंशन हो जाएगी तुमको, उम्मीद बढ़ जाएगी, लेकिन फिर 3 महीने में आप इतना सिलेबस कंप्लीट कर नहीं पाओगे। तो बेस्ट यही है कि जब आपकी प्रॉपर तैयारी हो आप तभी दें, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप 60% प्रिपेयर हो तो आप एग्जाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अटेम्प्ट बहुत ही ध्यान से देना। ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये तो पेपर वन, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। देखिए इसमें पेपर वन में जो चीजें होती है ना, यही हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस, ये सब बेसिक चीजें आती हैं, करेंट अफेयर्स इतने नहीं आते हैं। देखिए इतना याद रखिए, UPSC का जो 50% पेपर होता है वो डुएबल होता है, उसमें पॉलिटी हिस्ट्री के सवाल जो है वो आप कर ले जाओगे। कुछ सवाल बहुत अतरंगी देता है UPSC, अब जैसे अभी एक सवाल वो 5 साल पहले एक हिंदू एडिटोरियल आया था उससे उठा के दे दिया, वो तो कोई नहीं कर सकता। कुछ सवाल बहुत, और उसको आप अटेम्प्ट भी ना करें, क्योंकि देखिए अगर आपके 100 के इर्द गिर्द इस समय मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है भाई, अभी अगर 93 गई थी कट ऑफ, तो आप खुद ही समझिए कि अगर आप 100 के इर्द गिर्द, 95 से 105 के इर्द गिर्द अगर आपके मार्क्स इस ब्रैकेट में आ रहे हैं, हालांकि पेपर टू पेपर डिपेंड करता है, तो यू आर क्वालिफाइड फॉर UPSC, समझ रहे हो। तो बेटा इसमें आपको करना क्या है, आपको वो सवाल करने हैं जो आते हो, आपको पेपर देख के घबराना ही नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे कोई हीरो नहीं बनना है, वो ये भाई इसके मार्क्स थोड़ी ना जुड़ेंगे मेंस में, क्या करोगे फुल मार्क्स लाके भी क्या, आपको बस वो देखना है कि आपको कौन से सवाल आ रहे हैं। और एक चीज देखिए, UPSC एक ऐसा पेपर है ना कि जो कोई भी इंसान, कोई भी कितना भी बड़ा जीनियस हो, पूरा पेपर कर ही नहीं सकता। तो आप उस पे फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। अगर आपकी पॉलिटी अच्छी है, हिस्ट्री अच्छी है, तो सटाक सटाक देख लो कि अच्छा हिस्ट्री का सेक्शन कहां है, वहां से फिर स्टार्ट करो, समझ लो। तो ये चीज है। फिर उसके बाद पेपर टू, तो CSAT आता है। अब पेपर टू यार क्या बताएं, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स ही आती है इसमें, यही दोनों
तीनों मिला के पेपर को करते हैं, भले ही 33% आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन बेटा इसमें भी पसीने छूट जाते हैं क्योंकि सीसैट बहुत ही तगड़े लेवल की आती है दोस्तों। मैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने जिनका जीएस पेपर, जिनका पेपर वन वो नींद में भी समझिए कि 120-130 मार दे, लेकिन इस सीसैट ने बैंड बजा दी और इस पर काफी बवाल भी हुआ है इस सीसैट की वजह से, क्योंकि भाई किसी का मैथ्स अच्छा नहीं और इंग्लिश आप देख ही सकते हो कॉम्प्रिहेंशन इतना बड़ा, सवाल दो तीन और उसको भी समझने में टाइम। तो मैं बता दूंगा सीसैट को कैसे हैंडल करते हैं, और कुछ है इंपॉर्टेंट नहीं, और कुछ नहीं है, बस इन बातों का ध्यान रखिए, नहीं और कुछ दिया ही नहीं है, है ना, और सोचने दीजिए मुझे, बाकी तो कुछ है नहीं है जी, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी, मेंस सितंबर में होना है तो उसके लिए भी फिर कमर कस लीजिएगा, आपको 3 महीने का आमतौर पर 3 ही महीने का टाइम मिलता है, आपको यही मान के चलना है कि पेपर जून में ही होगा। तो हमारी यूपीएससी कोर्स को जरूर अवेल करें, उसमें लाइव क्लासेस होंगे, हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा सिलेबस देखो यार, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट बहुत अलग है। मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूं भाई पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ के आओ और उसके बाद फिर उस पर मैं डाउट सेशन लूंगा, इससे बच्चा पढ़ भी लेता और उसके सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर भी हो जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हम कुछ करने वाले हैं, जाओ आपको डाउनलोड करो, नंबर्स पे कॉल करो और कोर्स अवेल करो। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।